सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू ट्यूटोरियल वीडियोस। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने रिसेंटली परचेज किए हैं ये कैमलिन के ब्रश पेंस। सो आज हम इनसे कुछ काम करने वाले, बढ़िया काम करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कैमलिन के ब्रश पेन है, ये हैं 24 शेड्स वाले। और रही बात इनकी प्राइस की, तो ये मुझे पड़े हैं 420 रुपीज़ के। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। और इस वाले जो हैं, ये थोड़े बहुत न्यू हैं और इसकी टिप्स भी काफ़ी अच्छी हैं। और सो यार, मैंने एक पेपर पे ऐसे ही रफ करके दिखा था कि मतलब मैं कैसे कर रहा हूँ, थोड़ा मुझे आता है। कि मैंने पहले ट्राई करे थे बहुत पहले, बेसिकली मैंने इसमें जितने भी टाइप के कलर्स हैं, 24 शेड्स हैं, मैंने उनको पहले अप्लाई करके देख लिया था, मतलब इसकी स्ट्रोक्स कैसी आ रही हैं। तो मुझे बनाने में इतना मज़ा आया था कि मैंने एक रफ के लिए एक बर्गर बना लिया था, ऐसे ही मैं दिमाग में बना लिया, और दो आइस बना ली। और मैंने कुछ ज़्यादा ही थोड़ा पेपर ख़राब कर दिया पूरा, इतना करना इंसान मतलब मज़ा आता करने में, तो मैंने कर लिया। और हाँ, मैंने एक ड्राइंग और बनाई थी नरूटो की, ये बना रहा था मैं, सोचा कि इसकी वीडियो अपलोड करूँ या ना करूँ, क्योंकि इसमें ना मैंने जो बेसिक एरिया था ना, जैसे इसमें सोचो नरूटो के आसपास के थोड़े बहुत शेडोज़ हैं, मैंने वो बनाई थी, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ करने के लिए था नहीं, बस ग्रे कलर से मैंने इसमें स्ट्रोक सप्लाई कर दी थी। और हाँ, इसकी जो बैंड है, जो ऊपर जो पैन था हेयर में, मैंने वो ड्रॉ करा था, और इसकी हेयर और आई ड्रॉ करी थी। और वैसे जो ये ब्रश पेन्स हैं, इसमें मुझे कुछ ज़्यादा दिक्कत लगी नहीं, पर ये जितने भी रहते हैं ना स्केच पेन होंगे, जो भी आपने अपने बचपन में आप भी कोई स्केच पेन ट्राई करे होंगे, फैबर कैसल के, डॉम्स के, और भी जो मार्कर्स आते हैं, सेम पिगमेंट इसमें ये होती है, वाटर बेस होते हैं, ठीक है। तो वाटर बेस क्या होता है, उसमें जो इंक होती है ना, उसमें जैसे अल्कोहल होते हैं, उसमें अल्कोहल, कॉपिक मार्कर्स, ग्लू मार्कर, उसमें अल्कोहल होता है। सो इस टाइप, इसी में ज़्यादातर क्योंकि चीप होते हैं, से वाटर बेस होते हैं। और वाटर बेस की जो डिसएडवांटेज होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो, मैं इसमें लेयर बाय लेयर इसमें क्या कलर करूँगा। मैंने फर्स्ट लेयर करी, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, एंड इसका टोटली उसका टेक्सचर कैसा हो चुका, पेपर डैमेज हो चुका पूरी तरीके से, देख लो आप। और यही चीज़ आप ब्लेंडिंग में अगर आप करते हो किसी दो मार्कर से, तो वो आपको बहुत दिक्कत देने वाला है। सो इसी चीज़ को फिक्स करने के लिए हम एक काम करेंगे, इसको मैं टर्न करूँगा कॉपिक के अंदर, पूरा तो नहीं कह सकते, पर हाँ काफ़ी हद तक ये पहले से बहुत अच्छा हो जाएगा। जो मैं दिखा रहा हूँ कैसे, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो ओके, मैं लेके आ गया हूँ नेल पेंट रिमूवर। हाँ, आप सोचोगे नेल पेंट रिमूवर क्यों लेके आया भाई, तू पागल लेके आया, इससे क्या हो जाएगा, पर मेरे भाई इसी से ही होगा जो होगा। क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, 99% इसमें अल्कोहल होता है, और आपको अल्कोहल वाला ही प्रोडक्ट चाहिए अगर आप कोई सैनिटाइजर लोगे या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लोगे जिसमें अल्कोहल, तो उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें अल्कोहल के साथ साथ और भी काफ़ी ज़्यादा लिक्विड्स होते हैं, जो कि हो सके तो अगर सैनिटाइजर लोगे तो उसकी जो लिक्विड होता है वो इतना थोड़ा गाढ़ा होता है ना, थोड़ा थिक होता है, वो आपकी जो पेन की जो इंक है उसको ख़राब कर सकता है पूरी तरीके से। ये ख़राब नहीं करेगा क्योंकि ये अल्कोहल होता है, कोई सा भी नेल पेंट रिमूवर ले सकते हो कोई सा भी, और आपको एक ये ड्रॉपर भी ज़रूरत पड़ सकती है अगर आप चाहो तो। वैसे मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा, बिना ड्रॉपर के भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमें मार्क अपना, मैंने अपना मार्कर जो है, जो भी आपको टर्न करना है, उसकी रिफिल निकाल के उसके अंदर 4 to 5 ड्रॉप्स डालनी है आपको। एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, पहले पेपर साइड कर लूँ। सो इसका जो टॉप वाला पार्ट है उस पे 4 ड्रॉप्स, और इसके जो बैक वाला पार्ट है इस पे भी 4 ड्रॉप्स डालनी है। दोनों साइड में 4 या डालो या 5 डालो, ठीक है। सो मैं दिखाता हूँ कैसे। तो सारी ड्रॉप्स डालने के बाद इसको आप फटाफट से इसको अब इसकी जो बॉडी उसमें डाल के इसकी कैप बंद कर देना, क्योंकि अल्कोहल है जल्दी वेपराइज हो जाता है, तो चांस कोई नहीं लेने आपको, ठीक है। इसकी कैप टाइट से बंद करना, अच्छे से टाइट करके उसकी जो नेप है उस पर भी आपको एक ड्रॉप डाल देनी है, जिससे कि वो अब्जॉर्व कर ले अच्छे से।
इस तरीके से आपको एक ड्रॉप डाल देनी है जो ओके। सो आई होप गाइस आपको समझ में आया हो कि इसको कैसे टर्न करना है। मैं फटाफट से भी सारे मार्कर टर्न करता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। तो मैं सब मार्कर को टर्न कर दिया, मैं दिखाता हूँ आपको रिजल्ट। देखो ये मैंने लगाते ही एकदम सूख गया, ये वाटर की तरह नहीं है, किस थोड़ा जल्दी देर से सूख रहा है। थर्ड लेयर होगी, देखो थर्ड लेयर सेकंड लेयर ऐसे करके मैंने इस पर भी सेम 8 लेयर चढ़ाई हैं और इस पर ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा और एकदम स्मूथ सूख गया और ब्लेंडिंग भी काफ़ी सही हुई है। सो अगर आपको भी देखनी है मैं नोटो को कैसे कंप्लीट करता हूँ, सो आप कमेंट में बता देना। मिलते हैं एक तब तक के लिए, बाय।